दोस्तों हम अपना धान के खेत पहुंच गए। ये देखिए हम लोग का धान फूट गया है और थोड़ा थोड़ा हरा हरा है। आप लोग बोले थे कि थोड़ा दवा दे दीजिए, तो हम दवा दे दिए थे दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं साइंस वाला शंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों देखिए, यहाँ हम झोरा खींच लिए और यहाँ पानी पटा लिए। ये भिनसोरिया पटाए हुए हैं दोस्तों, जो रात ही था इसीलिए वो वीडियो नहीं दिखा पाए रात को। इधर पूरा पटा लिए, अब जाना है। दो को बारी में पूरा गिरा दिए हैं और दो को बारी बचा हुआ है, तो उसको जाते हैं और माटी गिराते हैं, फिर उसको शाम में उसको फिर नाला खींचना होगा और पटाना होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम कोड़ी ले लिए, अब चलते हैं बारी और माटी गिराना होगा। तो चलिए, दो ठो गिरा लिए हैं दोस्तों, हम घर से निकल गए हैं, चलते हैं अब। ये देखिए ये बारी पहुंच गए, यहाँ कल गिरा दिए हैं माटी, तो वहाँ जाना होगा, दूसरा बारी जाना होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आप बारी पहुंचने वाले हैं, चलिए चलते हैं। ये देखिए हम लोग का बारी यही है, इसी को भी कोड़ते हैं दोस्तों। हम बारी पहुंच गए, ये देखिए यही बारी में आप कोड़ने जा रहे हैं, चलिए कोड़ते हैं। इधर ट्राइपॉड को रखते हैं दोस्तों, आप कोड़ने लगे, चलिए जल्दी जल्दी कोड़ते हैं। ये देखिए ऐसे ही होता है कोड़ना, जल्दी कोड़ते हैं। तीन पारी यहाँ है, तो वह थोड़ा धान भी देखने जाएंगे। ऊपर का तो धान देख के आए हुए हैं, तो अब जाना होगा। यहाँ नीचे का धान आप लोग को दिखाते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको एकदम फटाफट करते हैं और चलेंगे। ये देखिए ऐसे ही झोरना होता है माटी, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। अब एक पारी पूरने वाला है, चलिए जल्दी करते हैं, और दो पारी बचा हुआ है, बस एक तो झोरा बचा हुआ है। गांव देहात में हम लोग झोरा बोलते हैं और नाला। ये देखिए हो गया, अब एक तो इधर बचा हुआ है, इसको करते हैं जल्दी। दूसरा पारी का झोरा गिराने लगे, चलिए गिराते हैं जल्दी। ये देखिए ये सब जल्दी गिराते हैं और फिर जाना होगा, थोड़ा देख के आना होगा धान कि कीड़ा लगा हुआ है का। जल्दी 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 गिराते हैं, बस छोटा सा है दोस्तों। मेरा दो पारी पूरने वाला है, चलिए जल्दी जल्दी पुराते हैं, और एक पारी बचा हुआ है, तो बस चलेंगे धान की खेत की ओर दोस्तों। तीसरा पारी गिराने लगे, चलिए जल्दी जल्दी गिराते हैं। दोस्तों अब तीसरा पारी पूरने वाला है, ये देखिए और तीन ठो बचा हुआ है, नाला तीन बचा हुआ है, तो चलिए जल्दी करते हैं। और फूटा है कि नहीं धान देखना होगा, सबका एकदम पक गया, धान पका है कि नहीं उसको भी देखना होगा, नहीं तो हाथी आ जाएगा सब खा देगा। बस और एक तो बचा हुआ है, ये हो गया दोस्तों। अब चलेंगे धान की खेत की ओर। ये देखिए तीनों पूरा लिए, अब चलेंगे धान की खेत। उधर है धान की खेत, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। हम बारी से निकल गए, अब जा रहे हैं धान की खेत की ओर। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा गांव और मेरा बारी कैसा रहता है। सो दोस्तों धान के खेतों की ओर आ गए, ये देखिए सबका धान पक गया पूरा, उधर काट भी रहे हैं, तो चलिए हम अपना धान देखते हैं पका है कि नहीं पका है।
ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, हम लोग का इधर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का नज़ारा कैसा है इधर जंगल और धान का। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अपना धान देखते हैं कैसा है। दोस्तों हम अपना धान के खेत पहुंच गए। ये देखिए हम लोग का धान फूट गया है और थोड़ा थोड़ा हरा हरा है। आप लोग बोले थे कि थोड़ा दवा दे दीजिए, तो हम दवा दे दिए थे दोस्तों। और ये देखिए पूरा एकदम फूल खिला हुआ है। हम लोग का जस्ट खेत का ऊपर है, ये देखिए। चलिए और देखते हैं नीचे का। सब एकदम दवा दे दिए तो पूरा फूट गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फूट गया तो पूरा कीड़ा खा जाते थे, तो आप लोग बोले कि दवा दे दो कीड़ा वाला, सब खत्म हो जाएगा, तो दे दिए तो अच्छा हो गया है धान। चलिए और दिखाते हैं खेत। ये देखिए हम लोग का सब अभी हरा हरा है। ये देखिए ये सब हम लोग का है। चलिए और दिखाते हैं। ये एक हुआ, ये दो हुआ और एक तीन। हम लोग का यहाँ पांच ठो खेत है और एक ठो ऊपर तरफ है। चलिए चलते हैं आगे, उधर और देखते हैं। एकदम सब पक गया है। हम वही थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते हैं, जैसे पीछे रोपते हैं। देखिए उतना हम लोग नहीं ना है, जैसे माँ है और हम हैं, और उतना पैसा भी नहीं है सो लगाएंगे। और बनियार हम लोग बोलते हैं कि और लगाएं लोग। दोस्तों हम लोग का धान पूरा एकदम सब पकने के जैसा हो गया है। हमको पूरा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बोले कि दवा दे दीजिए, तो दवा दे दिए दोस्तों। अब देखिए कुछ दिन के बाद मेरा धान पक जाएगा। और ये देखिए, और किसान लोगों का धान नहीं पका हुआ है, ये हरा हरा है। और उधर तो पक गया किसी किसी का। ये भी हम लोग से थोड़ा पीछे रोपे हुए थे इन लोग भी, तो हाँ पूरा पीछे होने के कारण में इन लोग का अभी नहीं पका है। सबका एकदम फूट गया है, वही 20-25 दिन में सबका हो जाएगा। तब फिर काटेंगे, फिर मैसेंगे। ऐसे हम लोग धान ले जाते हैं, आप लोग को पूरा दिखाएंगे कैसे मैसते हैं, कैसे पिसाते हैं, आप लोग को सब दिखाएंगे ब्लॉग में। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा से अच्छा वीडियो हम देंगे। आप लोग को पूरा धान दिखा दिए और हम भी देख लिए, तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। भूख भी लग रहा है, इधर से सीधे आए हुए हैं, वहाँ आलू गिरा रखे और इधर धान देखने आ गए। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर बैल खोलने जाना होगा। हमको तो बैल एकदम खोलना ही खोलना रहता है। एकदम 3 बज गया और खोलो, कभी 2 बजे भी खोलते हैं। दोस्तों हम धान के खेत की ओर से निकल गए, अब चलिए जल्दी घर जाना होगा। दोस्तों हम घर पहुंच गए, ये देखिए। चलिए जल्दी चलते हैं, अब घर खोलने जा रहे हैं। खोल लिया घर, लाइट भी नहीं है यहाँ, लाइट नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों हम खाना खा लिए और नहा भी लिए, अब चलिए चलते हैं बैल खोलने। दोस्तों हम मैदान तरफ आ गए और ये देखिए बैल यहाँ चढ़ रहे हैं। तो चलिए ये सबको खोलते हैं, सब बैल ये सबको खोल दिया दोस्तों। अब ले चलते हैं झरना की ओर पानी पिलाने। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम झरना में पानी पिला लिए बैल ये सबको, तो थोड़ा बोझा पकड़ने बोले तो वही लकड़ी का था, तो वही पकड़ दिए, इसीलिए वीडियो नहीं कर पाए। और ये देखिए इधर बैल जा रहे हैं, तो चलिए उस सबको इधर नीचे की ओर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इधर नीचे की ओर कर दे रहे हैं, अभी इधर है जंगल किनारे। ये देखिए जंगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का जंगल देखने में कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।